ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर बलिया से है, जहां मुरादाबाद के एडीआरएम निर्भय नारायण सिंह बलिया के मुनि छपरा गांव में वरिष्ठ ठेकेदार राम सिंह के आवास पर पहुंचे। एडीआरएम निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि बलिया की मिट्टी में पला बड़ा हूं, इसकी वजह से बलिया की मिट्टी से गहरा लगाव है। निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इस मौके पर निर्भय नारायण सिंह के साथ वरिष्ठ ठेकेदार राम सिंह, द्वारका सिंह, भीम सिंह, सुग्रीव सिंह, शशिकांत पांडे, विजय सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। एडीआरएम निर्भय नारायण सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान हमारे संवाददाता गिरीश मिश्रा से क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मुरादाबाद के पहले एडीआरएम रह चुके निर्भय नारायण सिंह, अब इनका प्रमोशन हो चुका है। पूरे क्षेत्र में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। जगह जाके लोगों को जागरूक करना इनके आदतों में शुमार है। निर्भय नारायण सिंह जी, ये बताइए बलिया की स्थिति क्या है? बलिया में वर्तमान में जो युवा वर्ग है रोजगार के लिए तरस रहे, इनको क्या करना चाहिए? देखिए, रोजगार जो समस्या है, ये हमारे देश की जो मूल समस्या है वो जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि है जी। और सारी समस्याओं का जड़ संसाधन सीमित है जी, चाहने वाले ज्यादा है, तो जहाँ भी डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप होगा वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। जनसंख्या अगर हम ठीक से नियंत्रित करें, उसकी प्लानिंग ठीक से करें, तो रोजगार के जितने संसाधन हमारे पास है उसमें हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। सरकार की जो भी प्लानिंग होती है, उस संसाधन जो उनके एक साल के अंदर उनके पास संसाधन उपलब्ध होते हैं, उसी के हिसाब से सरकार संसाधनों का प्रयोग करके जनता का कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या है, और इसका समाधान पक्ष की अगर हम बात करें जी, तो सरकारी क्षेत्रों में बहुत सारी नौकरियां हैं जो जितनी सरकार को ज़रूरत है वो हर साल वैकेंसी आती है, क्योंकि रिटायरमेंट हर साल जी। तो सरकारी क्षेत्र के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर हैं। इसके अलावा आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी देश हो, कोई भी समय हो, भारत के अलावा किसी भी विश्व के किसी भी देश में कोई भी सरकार 100% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती जी। निर्भय नारायण सिंह जी, आप वर्तमान में जिस क्षेत्र में हैं, आप रेलवे में काफ़ी बहुत बड़े अधिकारी, आप आईएएस रहे हैं, अभी वर्तमान में आपका प्रमोशन हुआ है, अपने क्षेत्र के बारे में बताइए, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में। अपने कार्य क्षेत्र मतलब हम जिस विभाग में काम करते हैं उसके बारे में, या हमारा जो जन्म स्थान कर्म जन्मभूमि के बारे में? तो मैं दूसरा अगला प्रश्न करूंगा, पहले अपने कार्य क्षेत्र के बारे में। कार्य क्षेत्र में भारतीय रेलवे का 2000 बैच का अधिकारी हूँ, और इस समय उत्तर रेलवे में चीफ कमर्शियल मैनेजर के पद पे हूँ, और नई दिल्ली में मेरी पोस्टिंग है, और नॉर्दर्न रेलवे का जो डिक्शन बनारस से श्रीनगर के बीच में आता है, इस बीच के जितने भी नॉर्दर्न रेलवे की एरिया है उस एरिया का मैं चीफ कमर्शियल हूं। अभी बलिया के आप मिट्टी के लाल हैं, बलिया के लिए काफ़ी आपने युवाओं के लिए प्रेरणा दिया है, साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में वृक्षारोपण के माध्यम से पूरे क्षेत्र में आपकी पॉपुलरिटी है कि निर्भय नारायण सिंह गांव गांव में जाकर सर सर में जाकर वृक्षारोपण करने का कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त युवाओं को जागरूक करने का कार्य करते हैं। बलिया के मिट्टी से आपकी पहचान है और बलिया के मिट्टी के लिए आप मरे रहते हैं, क्या बात है? बलिया के बारे में इतनी ममता, और आजकल के लोग भूल जाते हैं अपनी मिट्टी से लगाव, आपके अंदर इतना लगाव कैसे? देखिए, मैं इसी गाँव से निकला हूँ, इसी गाँव के आसपास के स्कूल से पढ़ा हूँ, और अगर मैं ऑफिस में बैठता हूँ, 10 आदमी मुझसे मिलने आता है तो 9 आदमी बोलता है कि रोजगार दे दीजिए जी। रोजगार देने का पावर अधिकार किसी के पास नहीं है, एकमात्र साधन है अच्छे से पढ़ करके ही रोजगार को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हमारे क्षेत्र के युवाओं के बीच में वो आत्मविश्वास की कमी है, और उनके दिमाग में ये बात बैठाने की ज़रूरत है कि जो लोग भी डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी होते हैं वो कोई विशेष नहीं होते, कोई जीनियस नहीं होते, हमारे क्षेत्र के युवाओं जैसे ही सामान्य लोग होते हैं, बस सही दिशा में सही समय पर प्रयास करने की ज़रूरत है। और उसी के लिए मैं विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थानों में मैं घूमता रहता हूँ कि बच्चों को बताया जाए कि 15 से 25 साल पढ़ने की उम्र होती है, अगर आप लगातार 7-8 घंटा पढ़ते हैं और आपके अंदर लगन है, अनुशासन है, और टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक से आता है, तो आप भारत के या विश्व के कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं। ये चीज़ बताने के लिए मैं बलिया में बार बार आता हूँ, और मेरे सभी कार्यक्रम जो सामाजिक कार्यक्रम करते हैं उसके पीछे लक्ष्य यही होता है
युवाओं को प्रेरित करना, क्योंकि युवा अगर प्रेरित होकर के अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छी नौकरी पाएंगे, अच्छी नौकरी का मतलब ये होता है कि सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र। युवाओं के रोजगार के बारे में आप क्या बोल रहे थे? युवाओं के रोजगार के बारे में मैं बोल रहा था कि सरकारी नौकरी सभी को देना संभव नहीं है, किसी भी सरकार में इतनी संसाधन नहीं है कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जा सके, तो प्राइवेट क्षेत्र में निजी क्षेत्र में भी हमारे युवाओं को आगे बढ़कर के काम करना होगा। उसके बाद जो युवा बच जा रहे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको स्वरोजगार और अन्य संसाधनों का प्रयोग करके अपने लिए जीविकोपार्जन करना होगा। विश्व इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा या कभी कोई ऐसा देश क्लेम नहीं कर सकता। रोजगारी एक जटिल समस्या है और इसके लिए जो है सरकार पूरा प्रयास करती है, कोई भी सरकार ईमानदारी से प्रयास करती है, लेकिन जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उस अनुपात में सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए निजी क्षेत्र और स्वरोजगार पे भी हमारे युवाओं को ध्यान देना होगा। स्थिति है युवा जो भी युवा वर्ग है उनके दिमाग में होता है कि अगर ये सरकार रहेगी तो उनको रोजगार मिलेगा, ये सरकार रहेगी तो रोजगार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है, चाहे प्रदेश की बात की जाए चाहे केंद्र की बात की जाए, तो क्या आपको लगता है कि जैसे लोगों के अंदर एक तरीके की थोड़ी सी मानसिकता गड़बड़ हो गई, ये सोच रहे हैं लोग कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नौकरियां नहीं मिली है, क्या ऐसी बात सही लोगों को मन में? देखिए, कोई भी सरकार हो पूरी ईमानदारी से प्रयास करती है अधिक से अधिक रोजगार देने के, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी जनसंख्या की वृद्धि जिस रफ्तार से हो रही है, सरकार किसी की भी आए 100% सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। इसका मुख्य कारण मतलब जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है, जिस अनुपात में हमारे पास सरकारी नौकरी है और जिस अनुपात में जनसंख्या का बढ़ोतरी हो रहा है, दोनों के डिमांड और सप्लाई में गैप है, इसलिए स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में भी रोजगार के जो अवसर उपलब्ध हैं उसके लिए युवाओं को प्रयास करना होगा। और निजी क्षेत्र में काम करने के लिए अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आपको एटलीस्ट गणित इंग्लिश और कंप्यूटर का अच्छी जानकारी होना चाहिए, ताकि निजी क्षेत्रों में जब आप जाएं तो आपको एक सम्मानजनक रोजगार मिल सके। निर्भय नारायण सिंह जी, आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पासी में आपके 4-5 किलोमीटर दूर यहाँ से घर, और पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। हमेशा समय समय पर गांव भी देखते हैं, शहर भी देखते हैं, अपनी सरकारी नौकरी को भी देखते हैं। अच्छा, लोगों के मन में एक बहुत बड़ी विकट समस्या ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, तो लोगों के दिमाग में स्पष्ट आकलन ये होता है कि अगर मैं परीक्षा भी पास करता हूँ तो सारी नौकरियाँ जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लड़ते लड़ते उनकी जीवन समाप्त हो जाता है, फिर भी नौकरी नहीं मिल पाती है, इसमें मुख्य कारण कहाँ आता है? देखिए, ये इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे जिस विभाग में मैं काम करता हूँ वहाँ पर ऐसा होता नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व अगर पेपर आउट करते हैं या किसी गलत प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा आती है तो उसके तहत सरकार अपना पक्ष रखती है न्यायालय में, और जो अभ्यर्थी हैं वो अपना पक्ष न्यायालय में रखते हैं जी। तो न्यायालय की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई है कि कहीं पे विवाद हो तो उस पर निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके। आजकल के युवा वर्ग सबसे ज्यादा परेशान इस बात के लिए है निर्भय नारायण सिंह जी, कि जब वो कोई वैकेंसी के लिए परीक्षा देते हैं, पास करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद भी उनको मुकदमा लड़ना होता है, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, ऐसे परिवेश में उनको क्या करना चाहिए? सरकार की तरफ से कुछ उनको अनुदान होना चाहिए, या जिनके एज ओवर हो गए उनको भी नौकरी नहीं मिली, उनके लिए क्या करना चाहिए सरकार? ये मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ भी अपना जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये सरकार का विषय है और पॉलिसी निर्णय से संबंधित है। हम लोग सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसके इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, आज के जो युवा वर्ग हैं जैसे सरकारी नौकरी की तरफ रुझान वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा होगा आपकी तरफ से, आप बताइए? मैं बार बार यही घूम करके विद्यालय महाविद्यालय कोचिंग संस्थानों में बच्चों को बता रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से सही समय पे सही दिशा में प्रयास करेंगे तो रोजगार अवश्य मिलेगा, और रोजगार पाने के लिए आपको 15 से 25 साल के बीच में 7-8 घंटा रेगुलर पढ़ना होगा, और जी आपको नौकरी अगर सरकारी क्षेत्र में नहीं मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी उपलब्ध है, और प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए या तो आपके पास कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो कम से कम अर्थमेटिक इंग्लिश और कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आपको नौकरी मिल सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे पास
निर्भय नारायण सिंह जो रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी हैं बैठे हुए हैं, कुछ देर पहले इनसे हमारी बातचीत हो रही थी। आज ये क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले हैं लोगों के समस्याओं को जानने के लिए, तो इनका कहना है कि आज के जो युवा वर्ग हैं परेशान हैं, उनको अगर आगे बढ़ना हो तो अंग्रेजी, अर्थमेटिक्स और कंप्यूटर की जानकारी उनके पास भली भांति होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी अंग्रेजी और ये प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं के लिए काफ़ी जगह मिल सकती है, बशर्ते इन तीन विषयों पे उनकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। सी न्यूज बलिया से गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया के एक लाल के रूप में निर्भय नारायण सिंह जाने जाते हैं, बलिया की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और बलिया जनपद में ही पैदा लिए हैं। अपने प्रतिभा के बल पर इन्होंने देश की सबसे बड़ी परीक्षा IAS क्वालिफाई करके आज पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में इनके बुलंदियों का मिसाल दिया जा रहा है। और यही नहीं, निर्भय नारायण सिंह की विशेषता यह है कि युवाओं के बीच में भी काफ़ी जुड़े रहते हैं। निर्भय नारायण सिंह जी, बलिया के बारे में आपका क्या कहना है, बलिया को क्या जरूरत है? देखिए, बलिया को जरूरत जो भी है वो सरकार उपलब्ध करा रही है। बलिया की विशेष भौगोलिक स्थिति होने की वजह से 4-5 प्रमुख समस्याएं हैं जी। बलिया में दो नदियों के बीच में बसा हुआ है, तो एक बाढ़ प्रमुख समस्या है जी। दूसरा, बलिया में रोजगार के अवसर कम है, युवाओं का पलायन हो रहा है जी। तीसरा जो है, जो पलायन हो रहा है उसके चलते घर में बड़े बुजुर्ग रह जा रहे हैं और पूरा युवा पीढ़ी शहर की तरफ पलायन कर जा रहा है। इसके निदान के क्या उपाय हैं, क्या हो सकता है इसके लिए? इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बाढ़ को की जो समस्या है वो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं जी। और उस समय तकनीक की कमी थी, लेकिन आज हमारे पास ऐसी तकनीक है कि नदी की धारा को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं जी। और उसके लिए पक्के RCC दीवार ले करके जी, और उस नदी को रिवर फ्रंट के तौर पर डेवलप किया जा सकता है, जो सड़क के लिए भी काम आएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने का भी काम आएगा और बाढ़ से बचाव उससे हो जाएगा। तो इन दोनों नदियों की धारा जहाँ पे कटान प्रमुख रूप से है उसको तकनीक और कार्य को स्वीकृत करा करके हम लोग बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं और पर्यटन का विकास कर सकते हैं। आपके तरफ से जैसे बाढ़ की समस्या आप बता रहे थे कि गंगा और घाघरा दो नदियां हैं यहाँ की प्रमुख नदियां, दोआब के बीच में दो नदियां बनी हैं तभी इसका नाम द्वाबा पड़ा, आज बैरिया विधानसभा क्षेत्र हो गया है, तो इन समस्याओं से निजात करने के लिए आपके तरफ से कुछ सरकारी अधिकारियों से पहल की जाती है? देखिए, हमारा, मैं केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता हूँ और ये राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार है। यहाँ के जो सक्षम अधिकारी होंगे वो निश्चित तौर पर बात करते होंगे, क्योंकि कोई भी सरकार जनता के कल्याण के लिए होती है और कल्याण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी सक्षम अधिकारी है इस समस्या को जरूर ऊपर अपने सरकार के पास पहुँचाते होंगे और उस पर सरकार कार्रवाई भी करती है और उस कार्रवाई को थोड़ा अधिक लेवल पर ला करके उसको परमानेंट हल चाहिए। टेम्प्रोरी समाधान तो सरकार हर साल करती है, उसका अस्थाई समाधान की जरूरत है। अभी निर्भय नारायण सिंह जी, आने वाले 1 जून को यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होने वाला है और लोकसभा के चुनाव में आप अपनी क्या मंशा रखते हैं, किसको वोट करना चाहिए? जनता पूरे जागरूक है, लोग सोच रहे हैं कि हम इनको करें। आपके समय से किसको वोटिंग करना चाहिए, बिना नाम बताए परोक्ष रूप से बता दीजिए। देखिए, वोट देना जनता का अधिकार जी, और जो जिस विचारधारा जिस पार्टी से जुड़ा हुआ वहाँ पर वोट करेगा जी। इसमें आज का जो इलेक्ट्रॉनिक युग में हर आदमी जागरूक है जी, कि उसके अधिकार, उसके समानता के अवसर, उसके जीवन की गरिमा कहाँ पे सुरक्षित है, उस हिसाब से लोग वोटिंग करते हैं जी। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं क्या अनुमान लगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लोगों को वोटिंग करने का नजरिया, लोग कुछ लोग जातिवाद पे जाते हैं, कुछ लोग धर्मवाद पे जाते हैं, कुछ लोग संप्रदायवाद पे जाते हैं, और उन लोगों को आपके तरफ से क्या परिणाम मिलनी चाहिए, उन लोगों को किस लोगों को कैसे लोगों को वोटिंग करना चाहिए? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप संस्कृत के किसी भी ग्रंथ में पढ़ेंगे तो सबसे जो भारत देश का नाम जम्बूद्वीप था जी, उस जम्बूद्वीप में जो भारत की सीमा थी वो फारस से लगती थी, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, भारत का पूरा एरिया ये हमारा जम्बूद्वीप था जी। और आज हम सिमटते कश्मीर तक आ गए हैं और वहाँ भी पिछले 50 सालों से हम लोग 75 सालों से स्वतंत्रता के बाद से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्र रहेगा तब तो दल रहेगा जी। तो सर्वप्रथम हमारी और सर्वोच्च प्राथमिकता होती है कि राष्ट्र की रक्षा करें जी। अगर राष्ट्र रहेगा तब दल रहेंगे, तब विचार रहेंगे, तब पार्टी रहेगी, तब सत्ता रहेगा, तब सरकार बनेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि राष्ट्र
प्रथम और सर्वदा प्रथम होनी चाहिए और उसको ध्यान में रख करके अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। निर्मला नारायण सिंह का कहना है कि सबसे पहले देश है, राष्ट्र है। अगर राष्ट्रीय गरिमा रहेगी तभी देश के लोगों का सम्मान और स्वाभिमान बचेगा। इसके लिए जो भी मतदातागण हैं, इनका कहना है, मैं इनकी बातों को समझ लिया, इनका कहना है परोक्ष रूप से कि जो भी लोग अगर अच्छे सोच के हैं, अच्छी मानसिकता के हैं, तो ऐसे लोगों को अपना वोटिंग करें जो देश के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर सके, उनके लिए शांति व्यवस्था स्थापित कर सके और उनको सुकून भरी जिंदगी वापस कर सके। सीनियर बलिया से गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।